गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक. फिजिक्स लेक्चर, फिजिक्स 2, चैप्टर नंबर 16, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. दिस इज माय थर्ड लेक्चर. वी हैव सीन इन माय लास्ट लेक्चर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज माय थर्ड लेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिपल फैक्टर. नाउ एज वी नो, इन हाफ वेव और फुल रेक्टिफायर AC component is converted into DC component. AC is converted into DC. Rectifier का काम क्या है? AC को DC में convert करना, बराबर है. लेकिन कोई भी device अपने को मालूम है, कोई भी device इतना efficient नहीं होता है कि वो 100% AC को 100% DC में convert करे. जहाँ भी कुछ ना कुछ तो छूट जाता है, मतलब कुछ part of AC is still present in DC. जब AC को DC में convert किया तो जो DC convert हो चुके उसके अंदर भी थोड़ा सा part AC component का रहेगा ही रहेगा. क्यों? वो इफ़िशेंसी जो हम लोग ने डिवाइस लगाया उतना इफ़िशेंट नहीं होता. फॉर एग्जांपल क्या होगा समझना, ये जो है हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया. रिपल फैक्टर का मीनिंग समझाता हूँ. ये जो है डीसी कंपोनेंट, ये एसी कंपोनेंट, एसी जो पार्ट है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया, ये वेव फॉर्म में मिला, बराबर है. अभी क्या होता है कि जो डीसी में कन्वर्ट होने के बाद फ्लक्चुएशंस दिखते हैं अपने को, मतलब उसके अंदर कुछ पार्ट क्या होगा, भले वो यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन होगा, डीसी में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर क्या आता रहेगा, वेरिएशन आता रहेगा. क्यों वेरिएशन आता रहेगा? क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ पार्ट जो पड़ा है वो एसी कंपोनेंट का है. तो वो जो कुछ पार्ट है डीसी के अंदर एसी का, उसको हम बोलेंगे रिपल फैक्टर. और इन अदर वे यू कैन से द इफिशियंसी. अभी उसका एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बना के दिया. ये जो है वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है, बराबर, इतना डीसी वोल्टेज. लेकिन इतना जो पार्ट है वो कन्वर्ट हुआ नहीं है, एसी का पार्ट अभी तक डीसी में प्रेजेंट है. एंड दिस इज इन अदर वर्ड इट इज द इफिशियंसी. और रिपल फैक्टर इज व्हाट? रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट. ये जितना कम होगा आरएमएस वैल्यू उतना ज्यादा होगा. रिपल फैक्टर जितना कम होगा, रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना इफिशियंसी ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा एसी कन्वर्ट हुआ है डीसी में. दिस इज कॉल्ड एज अ रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर इन अदर वर्ड्स इज द पार्ट व्हिच इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू डीसी. एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्लियर. आगे नेक्स्ट इज फिल्टर सर्किट. अच्छा, अभी ये तो आ चुका है रिपल फैक्टर, तो हर कंपोनेंट में रहेगा ही. ये तो अपने को पता चल गया कि भाई रिपल फैक्टर है, मतलब कुछ पार्ट ऑफ एसी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू डीसी फुल्ली, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने को चलेगा नहीं. डीसी तो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, तो यूनिडायरेक्शनल करंट में फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे. उसको अपने को किस तरीके से अच्छे से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एक सर्किट है फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट का यूज होगा, कैपेसिटर यूज करेगा. फिल्टर सर्किट एक कैपेसिटर यूज करता है. ये देखो, ये रेक्टिफायर लगा, एसी करंट इसको इनपुट दिया रेक्टिफायर को. रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा. वो आगे जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर में. कैपेसिटर जो पार्ट कन्वर्ट नहीं हुआ है डीसी में, उसको डीसी में कम्प्लीटली रेक्टिफाई करेगा, फिल्टर करेगा और आगे भेजेगा और कम्प्लीट डीसी बना के भेजेगा. ये आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस लोड है, उससे अपने को आउटपुट मिलेगा जो प्योरली डीसी होगा. समझ में आया? वापस समझा दो. फिल्टर सर्किट का काम क्या है? वो जो रिपल फैक्टर है उसको निकालने की कोशिश करेगा. जो भी पार्ट डीसी के अंदर है एसी का, वो निकालने की कोशिश करेगा बाय यूजिंग अ कैपेसिटर. सो फिल्टर सर्किट यूजेस अ कैपेसिटर टू रिमूव एसी कंपोनेंट फ्रॉम डीसी कंपोनेंट. तो प्योरली अपने को डीसी आउटपुट मिलेगा विदाउट फ्लक्चुएशन. क्लियर? काम कैसे करेगा? एसी इज गिवन टू द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. दैट डीसी हैज द रिपल फैक्टर. देन अगेन गिवन टू कैपेसिटर. कैपेसिटर विल रेक्टिफाई और विल रिमूव द एसी कंपोनेंट. एंड अगेन इट इज गिवन टू द आउटपुट एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डीसी. सो दिस इज द, ये देखो, ये दिख रहा है क्या? डॉटेड लाइन जो है वो एसी कंपोनेंट है. जो पहले की तरह गया रेक्टिफायर में तो अपने को ये मिला, और फिर यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? डीसी आउटपुट. ये कैपेसिटर नहीं, जो ब्लैक कलर का लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो कैपेसिटर ने करके अपने को एक डीसी फॉर्म में आउटपुट दिया है, आउटपुट वेव फॉर्म.
सो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टर सर्किट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हाय, विल स्टार्ट विथ कैपेसिटर फिल्टर. नाउ एज वी हैव सीन दिस डायग्राम बिफोर, हाउ डू दिस कैपेसिटर वर्क, हाउ इट कन्वर्ज द डीसी सप्लाई इन अ रेगुलेटर मैनर, वॉट इज रिपल फैक्टर वी हैव सीन एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड बाई कैपेसिटर. नाउ वी विल सी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कैपेसिटर. अभी बहुत ध्यान से समझना, आसान है. जब एसी सप्लाई, अल्टरनेट करंट सप्लाई जब रेक्टिफायर में जाता है, रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी. वो जो डीसी होता है वो कन्वर्ट करने के बाद उसमें कुछ पार्ट जो रहता है वो किसका रहता है, एसी कंपोनेंट का रहता है. और वो एसी कंपोनेंट की वजह से क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशंस होता रहता है. अभी समझना, वो कहाँ जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा. कैपेसिटर का खास बात क्या है, पहले कैपेसिटर खुद चार्ज होगा और फिर वो जैसे चार्ज होगा वो करंट आगे बढ़ाएगा. जैसे वो करंट आगे बढ़ाएगा यहाँ से लोड रेजिस्टेंस से अपने को आउटपुट मिलना चालू होगा. अब यहाँ से जो आउटपुट में अपन कोई भी सर्किट लगा सकते हैं या पावर सप्लाई लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया तो बल्ब चालू हो गया, यहाँ पे मैंने और कुछ लगा दिया तो वो चालू हो जाएगा. ये आउटपुट सप्लाई है, यहाँ से अपने को पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा. ठीक है, अभी समझते हैं ध्यान से ये डायग्राम को, साथ ये डायग्राम को कनेक्ट करते हैं कि जैसे एसी सप्लाई मैंने दिया, इनपुट दिया रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर ने आउटपुट दिया जो गया कैपेसिटर में. तो जैसे कैपेसिटर में गया उसने डीसी करंट को उसने कैपेसिटर को चार्ज करना चालू किया. कैपेसिटर जैसे चार्ज हुआ वो डीसी कन्वर्ट कर रहा है रेगुलेटर फॉर्म में. और जैसे 1/4 ऑफ द साइकिल में, 1/4 ऑफ द साइकिल क्यों वो भी समझ लो. ये पूरा एक साइकिल हुआ, ये 1/4 ऑफ द साइकिल में पीक वैल्यू पे जाएगा. ये जीरो चालू हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 50% हुआ, ये 3/4 हुआ और ये कम्प्लीट जीरो हो गया. तो 1/4 ऑफ द साइकिल में ये अपने पीक वैल्यू पे जाएगा. तो 1/4 ऑफ द साइकिल में अपने को हाईएस्ट करंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज वीपी. ये देखो ये सब वीपी वाला लाइन है, हाईएस्ट 1/4 में. जैसे 1/4 पे आया, क्योंकि यहाँ से क्या होता जाता है, ये इंक्रीज होते जाता है और फिर ये डिक्रीज होना चालू होता है. समझा, 1/4 होने के बाद ये डिक्रीज होना चालू होता है. ये एसी है, एसी कन्वर्ट होएगा डीसी में. समझ रहे हो ना बात, एसी कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में, बढ़ेगा फिर ये कम होगा. समझना क्यों बढ़ रहा है कुछ, अभी किस तरीके से जाएगा. तो जब ये कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद 1/4 साइकिल पे हाईएस्ट वैल्यू बाहर फेंकेगा करंट का, जो यहाँ से लोड रेजिस्टेंस अपने को आउटपुट में मिलेगा. जैसे 1/4 साइकिल खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं, करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है. डिक्रीज होता है तो ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने चालू होता है, तो वो बी वैल्यू पे जाता है. जैसे बी वैल्यू पे जाएगा वापस साइकिल, नया साइकिल चालू होता है, वापस तुरंत ही फटाक से ये चार्ज होना चालू होता है, वापस ऊपर चला जाता है सी पे. फिर वापस जब 1/4 साइकिल से नीचे जाएगा, वापस डिस्चार्ज होता है, करंट का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है. मतलब ये क्या होता है, करंट वैल्यू बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा. भले ये यूनिडायरेक्शनल ही होगा, डीसी करंट ही होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ कैपेसिटर ये क्या होगा, एक वैल्यू ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर, और ये कंटिन्यूस रिपीट होता रहेगा. दिस इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर. अभी समझना, ये कैपेसिटर ने अपना काम कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन. अपने को वी पी मिलेगा, हाईएस्ट पावर वोल्टेज, जो अपने को ए सी ई और जी पे मिलेगा. क्लियर. अभी यहाँ से अपने को क्या लगाना है, आउटपुट लगाना है या पावर सप्लाई लगाना है. पावर सप्लाई जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो अपन वो पावर सप्लाई से कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कहीं कुछ भी अपने को जो डिज़ायर डीसी वोल्टेज पे काम करने वाली मशीन है वो चालू कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई लगाएंगे तो अपने को जो आउटपुट मिलना है वो कम हो जाएगा. तो जब वो कम हो जाता है तो उसको अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई बोलते हैं, अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई. और अगर पावर सप्लाई लगाने से अगर वो कम नहीं होता है उसको हम बोलेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई. तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होगा कि जैसे मैंने पावर सप्लाई लगाया और जो आउटपुट पहले मिलता था और पावर सप्लाई लगाने के बाद जो आउटपुट मिला वो ड्रॉप हो गया, तो अनरेगुलेटेड. अगर ड्रॉप नहीं हुआ तो ये रेगुलेटेड हुआ. क्लियर. अभी रेगुलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, अनरेगुलेटेड है तो क्या. तो अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को या अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई को रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है.
ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, तो उसके लिए काफ़ी सारे डिवाइसेस है, जिसमें से एक डिवाइस हम यूज़ करेंगे या उसके बारे में जानेंगे, वो है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। उसके पहले जीनर डायोड क्या है वो देखेंगे। देखो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा सम स्पेशल पर्पज जंक्शन डायोड, स्पेशल पर्पज जंक्शन डायोड्स। वी हैव टोटल फोर टाइप्स ऑफ डायोड्स विच आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड। फर्स्ट इज जीनर डायोड जो अभी अपने को देखने का है, सेकेंड इज फोटो डायोड, थर्ड इज सोलर सेल एंड फोर्थ इज लाइट एमिटिंग डायोड। कौन से है? जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल एंड लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज LED। क्लियर। अभी जीनर डायोड क्या है, जीनर डायोड के बारे में हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था, इट इज स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड PN जंक्शन डायोड विच विल ऑपरेट इन अ ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स बायस में काम करेगा, मतलब जब करंट उल्टे डिरेक्शन में जाएगा, ये करंट जितना भी नेगेटिव जाएगा वोल्टेज को क्या करेगा, फिक्स्ड रखेगा। याद है कि भूल गए सब, तो एक बार PN जंक्शन चैप्टर रिवाइज करो, उसमें जीनर डायोड देखो, उसका ग्राफ देखो, ग्राफ अपन ने अगर बड़ा होगा याद आएगा, तो जब ये वोल्टेज ड्रॉप होता है ये एक लेवल के बाद, ये करंट, ये वोल्टेज स्टॉप हो गया, दिस इज वोल्टेज, हाँ दिस इज नेगेटिव हुई, करंट इतना ड्रॉप हुआ, देखो करंट ड्रॉप होते होते ये वोल्टेज फिक्स, ये होगा VZ, ये क्या किया उसने, वोल्टेज को स्टेबल कर दिया। करंट कितना भी ड्रॉप होने दो, करंट का वैल्यू नेगेटिव जा रहा है लेकिन वोल्टेज क्या होगा, स्टेबल हो गया, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज वोल्टेज स्टेबिलाइजर, एंड इट इज अ स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड डायोड विच वर्क्स इन द ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, इससे आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इतना रिवाइज करके रखो, विल सी जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।